हिल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। कबड्डी सीजन 5 के 23वें दिन का दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा और हरियाणा स्टीलर्स के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धा को 36-29 के अंतर से पटकनी दी। तो आइए जानते हैं लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल। दोनों टीमों के बीच शुरुआती मुकाबला लगभग बराबरी का दिखा और पहले 10 मिनट तक दोनों टीमों का स्कोर 6-6 अंकों से बराबर रहा। 13वें मिनट में यूपी योद्धा ने 11-9 से बढ़त बनाई। 19वें मिनट में आशीष छोकर को टैकल करने के साथ यूपी योद्धा पहले हाफ के खत्म होने तक 15-12 से आगे रही। दूसरे हाफ में भी यूपी योद्धा ने शानदार खेल दिखाया। 27वें मिनट में आशीष छोकर को एक बार फिर अपने शानदार डिफेंस से यूपी योद्धा ने टैकल कर 23-17 से बढ़त बनाई। हालांकि पूरे मुकाबले में यूपी योद्धा से पिछड़ने के बाद हरियाणा स्टीलर्स ने जबरदस्त वापसी की। 37वें मिनट में ऋषांक देवडिगा को टैकल करने के साथ हरियाणा स्टीलर्स ने 29-29 अंकों से स्कोर बराबरी पर ला दिया। इसके बाद आखिरी मिनट में हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धा को ऑल आउट कर उसे मुकाबले से भी आउट किया। इस तरह फुल टाइम तक 36-29 के फाइनल स्कोर के साथ हरियाणा स्टीलर्स ने शानदार जीत दर्ज की। हरियाणा स्टीलर्स के लिए सबसे ज्यादा विकास कंडोला ने 9 और सुरेंद्र नड्डा ने 7 अंक हासिल किए, वहीं यूपी योद्धा के लिए ऋषांक देवडिगा और सागर किशन ने 6-6 अंक जुटाए। आज देखिए पहला पंगा पटना पायरेट्स वर्सेस पुनेरी पलटन और दूसरा पंगा यूपी योद्धा वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स।